मम्मी हम ये इम्पोर्टेंट क्लाइंट से बात कर रहे हो और तुम ऐसे चिल्ला रहे हो। मुझे पता नहीं था कि पापा काम कर रहे हैं। अगर कोई काम नहीं भी कर रहा हो तो भी घर में इस तरह से चीखना चिल्लाना इज बैड मैनर्स। तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं? इसको तमीज सिखाने के लिए इसकी माँ है काफिया। तुम्हें पता है कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी और ये नाचने का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा? मैं जानता हूँ आपको मेरा डांस करना पसंद नहीं, इसलिए मेरे सपना पूरा करने में मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उनकी बात काट कर उन्हें ऐसे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो तुम? बस काफिया, मैं चाहूँ तो इन दोनों के बीच में बोल सकती हूँ। पिता और बेटे के बीच में बोलने का किसी और को कोई अधिकार नहीं है। सॉरी पापा, मैं आपको बार बार डिसअपॉइंट करता रहता हूँ पर मैं अपना डांस नहीं छोड़ सकता। हक होने और जताने में बहुत फर्क होता है। कोई भी आदमी अंदर से बाहर से कैसा है ये बस उसकी पत्नी बता सकती है।